हेलो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल द एस एस क्लासेस जहाँ आप सीखेंगे सहजता के साथ आई एम योर फ्रेंड इशिता एंड आई हैव क्लियर्ड एन टी एन एट एग्ज़ाम्स और यू कैन से एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर सो माई टुडेज वीडियो ऑन टॉपिक इकनॉमिक्स फर्स्टली वी स्टडी द माइक्रो इकनॉमिक्स सो लेट गेट स्टार्ट विद टुडेज़ टॉपिक तो टुडेज टॉपिक इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और यहाँ पर अदर केसेस जैसे हमने पीपीसी का आपने अभी तक सिर्फ कॉनकेव केस पढ़ा था तो हम दो तीन केसेस और हैं वो चीज़ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट है इसमें शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी, पीपीसी की शिफ्टिंग पीपीसी कर्व जो है वो राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड तो ये सब जो भी इसकी शिफ्टिंग है वो पढ़ेंगे फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी तो थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो लेकिन आप लोग स्टार्ट करते चलिए इसमें लिखिए है देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी गिवन अप और सेक्रीफाइस इसका ये मतलब हुआ कि जैसे कि आपके पास अपॉर्चुनि अल्टरनेटिव uh, प्रोडक्ट्स हैं या अल्टरनेटिव गुड्स हैं जिसका आप दोनों में से किसी एक चीज़ का ही इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे कि हमने फर्दर आपको मतलब पहले आपको प्रीवियस वीडियोस में आपको एग्जांपल दे चुके हैं तो वैसे ही समझिए आपके पास कोई भी दो चीज़ें हैं अच्छा आपको हम इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं जैसे कि आ, आप जॉब करते हैं ठीक है और आपकी पर डे पर डे सैलरी कितनी हो गई वन थाउजेंड रुपीज़ है और नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं कि आप सोच रहे हैं कि आज हम ऑफिस ना जाएं और उसके बदले हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें अगर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आप हो सकता है आप उस दिन सिनेमा हॉल जाएं या फिर हो सकता है आप हो, होटल्स जाएं। तो ये सब का आपका टोटल खर्चा हो सकता है फाइव हंड्रेड रुपीज़ तो आपके पास दो ऑप्शन थे कि आप या तो ऑफिस जाते तो आपको वन थाउजेंड रुपीज़ मिलते और अगर आप नहीं जाते हैं तो आप अपने फैमिली के साथ इतने रुपीज़ या फिर वो बेनिफिट अडॉप्ट करते तो ये दोनों में आपने अडॉप्ट क्या किया हो सकता है आपने ये किया हो तो आपने जो चीज़ चूज़ की उसके अलावा जो चीज़ सेक्रीफाइस की इसकी जो कॉस्ट रहेगी इसे ही हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं मतलब कोई भी दो चीज़ों में कोई भी दो चीज़ों में कोई भी अगर जो भी जिसकी आपकी इच्छा अगर आपने एक को अडॉप्ट किया एक को अपनाया तो जो दूसरा सेक्रीफाइस किया जा रहा है उस सेक्रीफाइस पर जो आपका कॉस्ट आएगा वो हो जाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होप क्लियर होगा तो बहुत इजी है जो भी कॉस्ट वही लिखा है इट इज़ डिफ डिफाइंड एज द कास्ट ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी गिवन अप और सेक्रीफाइस तो अपल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी जो है जो आपने दूसरे को सेक्रीफाइस की गई है जैसे इसको सेक्रीफाइस किया है तो इसके हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या एम इसको हम लोग एम भी कहते हैं एम का फुल फॉर्म क्या होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तो यही नाम आपको हमने उस पहले वाली वीडियोस में बताया है कि उसमें आपका पी पी कर्व को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं तो उसी से ही एम आया है ठीक है तो इसकी मीनिंग देखते हैं इसमें लिखा है इट इज़ द रेट ऑफ सेक्रीफाइस गुड टू दी एक्सपैंडिंग गुड देखिए ये थोड़ा सा मीनिंग क्रिटिकल है लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा जैसे पुराने एग्जाम्पल हम लोग अभी तक लिए एक समझ लीजिए कि आपका एक वीट का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं नेक्स्ट आप ये सोचिए कि आपने ग्राम का प्रोडक्शन किया है ठीक है तो ये दोनों के प्रोडक्शन के लिए इसमें लिखा है इट इज़ अ रेट ऑफ़ सेक्रीफाइज गुड आपने वीट के प्रोडक्शन को इनक्रीज़ किया तो सेक्रीफाइस किसका किया ग्राम के प्रोडक्शन का तो इट इज़ अ रेट ऑफ सेक्रीफाइज गुड मतलब ग्राम टू दी एक्सपेंडिंग गुड मतलब ये एक रेट है जो कि आपका ये कितना सेक्रीफाइस किया जा रहा है और इसको कितना एक्सपेंड कर रहे हैं उस रेट को डिनोट करता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या दूसरे शब्दों में अगर कहें तो द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस यूनिट ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइज मतलब ग्राम की कमोडिटी आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू प्रोड्यूस द एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी अदर कमोडिटी मतलब वीट के कमोडिटी को इसके यूनिट्स का प्रोडक्शन के यूनिट्स का आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो उस टाइम कितने नंबर ऑफ यूनिट्स सेक्रीफाइस की जा रही है ग्राम की उसको हम लोग कहते हैं एम जब आप पी पी सी कर का कैलकुलेशन कर रहे थे तो उसमें यही चीज़ इसका डिस्कस किया गया था बस उसमें जो डिफरेंस था दोनों के जैसे इसका फार्मूला होता है चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स चेंज इन वाई मतलब जो लूज़ करता है जैसे यहाँ पर कौन सा लूज कर रहा है ये लूज कर रहा है और हमने इसका एक्सपेंड कर दिया प्रोडक्शन तो ग्राम का जो है वो जितना भी यूनिट्स में चेंजेस आए हैं वो हमारा वाई हो जाएगा और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर रहेगा जैसे एक्स है यहाँ पास ये वीट आ जाएगा तो वीट के गुड्स में आपका कितना भी चेंजेस आए मतलब कितना बढ़ गया तो ये चीज़ हो जाती है चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर जो पी पी सी शेड्यूल है ये हमने आपको जो यहाँ पर बताया एम ओ सी के बारे में इसी का हम एग्जाम्पल बता रहे हैं कैसे कैलकुलेशन इसकी की जाती है सो तो इसमें देखिए जो शेड्यूल हमने पहले आपको डिस्कस किया था जैसे पॉइंट ए है इसका फार्मूला क्या होता है फॉर्मूला है चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स मतलब जो लूज कर रहा है उसको हम न्यूमरेटर रखेंगे और जो एक्सपैंड कर रहा है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में रखेंगे ठीक है तो देखिए अब इसमें ये जो एक्स कमोडिटी है ये हमेशा धीमे धीमे करके सेक्रीफाइस की जा रही है और एक्स की जो कमोडिटी है इसको हम लोग इसका प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं तो अच्छा पॉइंट ए पर अगर हम लोग एम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पास नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पास चेंज की बात की जा रही है तो चेंज हम लोग फर्स्ट यूनिट पे तो नहीं कैलकुलेट कर सके कि हम लोग को पहले यूनिट यही है इससे हम लोग किससे कंपेयर करेंगे तो सेकेंड यूनिट में हम लोग फर्स्ट में हम लोग का क्या आ जाएगा एम नल नेक्स्ट आ जाएगा आपका बी uh, पॉइंट पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा चेंज इन वाई मतलब यहाँ पस टेन में से नाइन अगर हम करते हैं चेंज निकालने के लिए तो वन आएगा तो न्यूमरेटर में वन और डिनोमिनेटर में जैसे इसका हो जाएगा इसका हम कैलकुलेशन यहाँ कर देते हैं वन बाय इसमें भी आपका चेंजेस कितना हुआ वन तो वन बाय वन मीन्स वन तो बी पॉइंट पर आपका एम कितना आएगा वन ठीक है पहले वाले का नल है और हम सी पॉइंट पर अगर देखते हैं तो यहाँ पास कितना डिक्रीज हुआ टू पॉइंट डिक्रीज़ हुए तो यहाँ पास आ जाएगा टू डिवाइडेड बाय यहाँ पास ये टू और वन सब कर देंगे तो वन आएगा तो यहाँ टू आएगा इसमें भी आप लोग अब देख लीजिए कि सेवन है सेवन में से फोर गया कितना बचा थ्री तो थ्री बाय वन ठीक है तो आएगा थ्री नेक्स्ट इसमें फ़ोर के बाद डायरेक्ट ज़ीरो हो गया तो ये फोर हो गया फोर बाय वन मीन्स फोर तो ये चीज़ आपको समझ में आई एम कैलकुलेट की कैसे जाती है पी पी सी के जैसे आप जैसे पी पी सी में आप गुड एक्स और गुड वाई को डायरेक्ट ग्राफ में शो करते हैं तो दोनों का जो सब्ट्रैक्शन या दोनों के चेंजेस का मतलब जो फार्मूला है उसी के बेसिस पे आपका एम भी आता है तो अब इसके फार्मूले पर देखते हैं एम या एम का फार्मूला क्या है अमाउंट ऑफ गुड वाई लॉस एंड अमाउंट ऑफ गुड एक्स गेन तो चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स ये आपको याद रखने की चीज़ है जो भी अगर लॉस हो रहा होगा उसको आप लोग न्यूमरेटर में रखेंगे और जिसका भी गेन हो रहा होगा या जिसमें एक्सपेंड किया जा रहा होगा उसको आप लोग डिनोमिनेटर में रखेंगे सो so बस इतना सही था एम ओ सी एम आर टी नेक्स्ट आप लोग देखते हैं कि देखिए पी पी सी का हमने आपको बताया था पी पी सी आपको अभी तक किस किस में आपने पढ़ा था सिर्फ कॉनकेव पढ़ा था जिसका शेप होता है इस टाइप का ठीक है अब हम दो कंडीशंस और दिखा रहे हैं जिसमें आपको पीपीसी स्ट्रेट लाइन मिलेगी जैसे इसमें है और एक पीपीसी मिलेगी आपको कॉन्वेक्स शेप में ठीक है तो ये दो चीज़ें हैं ये इसका ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए रीज़न क्योंकि कभी कभी वन या टू मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि पीपीसी का अगर स्ट्रेट लाइन कर्व है तो यहाँ बस एम किस मतलब वो किस रेट में रहेगा तो ये हमेशा याद रखिएगा अगर पी स्ट्रेट लाइन है तो एम ओ होगी एम मतलब जो आपने यहाँ पर डिफ्रेंस करके जो हमने अभी टेबल आपको दिखाई थी जो आपने चेंजेस यही फॉर्मूला लगा करके जो आपने सॉल्व किया था वहाँ पर सबका आंसर सेम आएगा मतलब कांस्टेंट होगा ठीक है तो पीपीसी कब स्ट्रेट लाइन रहती है जब एम कांस्टेंट होगी नेक्स्ट आपका है पीपीसी कॉन्वेक्स कब होगी जब एम जो है वो फॉलोंग है आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कॉनकेव कब होती है जब एम जो रहता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है तो अब ये समझ लीजिए जब कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स में हमेशा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा ये याद करने के लिए एक चीज़ बता देते हैं कि यहाँ सोचिए ये चीज़ वो धीमे धीमे करके बढ़ रही है ठीक है तो यहाँ पस एम भी बढ़ रहा है लेकिन जब कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए स्पेस बहुत कम है तो यहाँ पस एम भी गिर रहा है तो बस ये याद करने की चीज़ें और कुछ नहीं है ठीक नेक्स्ट ये तीनों कॉन्सेप्ट को आप लोग याद कर लीजिएगा बस नेक्स्ट इसमें देखिए शिफ्टिंग ऑफ PPC इसमें दो तीन कंडीशन है बहुत इजी है इसलिए हम जल्दी दी बता देते हैं शिफ्टिंग ऑफ PPC में फर्स्ट कंडीशन आप ये ले सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका PPC पी ड्रॉ होता है इस शेप में तो अगर दोनों गुड्स मतलब गुड एक्स एंड गुड वाई दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है मतलब टेक्नोलॉजी या आपकी इकॉनमी डेवलप हो रही है तो ये गुड सिंबल है जब दोनों में इम्प्रूव होता है ठीक है नेक्स्ट कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों में डिक्रीज हो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी इकोनॉमी लॉस हो रही हो जितनी डेवलप थी उससे ज़्यादा गिर गई हो कि कभी कभी जैसे कोई नेचुरल कैलमिनीटीज़ होती हैं जैसे अर्थ क्वैक आ गया इस टाइप की कोई भी चीज़ें तो उसकी वजह से ये कंडीशन हो सकती है ठीक नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपका ये पी है और गुड एक्स जो है उसमें कोई इंक्रीमेंट हो रहा है ठीक तो ये ऐसे करके ऐसे भी बन सकता है या आप लोग कह सकते हैं कि इसमें कोई गिरावट आ गई है तो ये इसी शेप में वापस हो सकता है सेम यही कंडीशन है अगर आपका गुड वाई जो है गुड वाई में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो इस शेप का बनेगा ये दोनों एक साथ हो जाएंगे ठीक है तो ये आपका इंप्रूव हो रहा है या ऐसे ही डिक्रीज होता है तो शिफ्टिंग का बस यही मतलब है अगर आपका कोई पूछे कि बेस्ट कंडीशन कौन सी तो बेस्ट कंडीशन ये हुई जिसमें आपके दोनों गुड्स का मतलब गुड एक्स या गुड वाई है दोनों में इम्प्रूवमेंट हो रही है तो यहाँ पर इसका मतलब ये कहा जाता है कि यहाँ टेक्नोलॉजीज जो है उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है इसमें टेक्नोलॉजीज गिर गई हैं यहाँ पर सिर्फ गुड और गुड एक्स की टेक्नोलॉजीज इंक्रीज या डिक्रीज हुई हैं तो ये ओवरऑल शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी हुआ है इस क्वेश्चन को देखिए जैसे इसमें लिखा है कैलकुलेट एम और क्या उसके बाद आपको प्लॉट करना है पी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जनरली आपको सिर्फ यूनिट जैसे इसमें लिखा है यूनिट ऑफ फूड और यूनिट ऑफ क्लोथ तो ये आपको शेड्यूल दिया रहेगा और आपको इसके बाद एम कैलकुलेट करना है हमने आपको बता दिया था एम कैसे कैलकुलेट की जाती है और उसके बाद आपको पी पी ड्रॉ करना है लेकिन पी के लिए आपको एम की ज़रूरत ही नहीं होगी आपको सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों की ज़रूरत है मतलब यूनिट ऑफ़ गुड फूड और यूनिट ऑफ़ गुड जैसे क्लोथ प्लो, uh, है ठीक है तो ये दोनों चीज़ों की वजह से आप अपना पी पी सी को प्लॉट कर सकते हैं तो एम ओ सी का कैलकुलेशन बहुत सिंपल जैसे अभी हमने बताया था सेम है एक बार आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा जैसे कि इसके बीच में जितना डिफरेंस है ट्वेंटी फोर यूनिट्स का डिफरेंस है इसमें कितना डिफरेंस है वन तो ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई वन मीन्स ट्वेंटी फोर नेक्स्ट इसमें कितना डिफरेंस है थर्टी ट्वेंटी थ्री सो सेम है आप इसको चेक कर लीजिएगा बहुत ईजी है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा टफ नहीं होते हैं अब आपको पीपीसी जब प्लॉट करना होगा तो आप जैसे इसमें क्लोथ है जो कि इंक्रीज़ हो रहा है आप उसको हमेशा गुड एक्स बनाएंगे गुड एक्स उसको बनाएंगे जो जैसे इसमें क्लोथ है और आपका जो डिक्रीज़ हो रहा है या जो सेक्रीफाइस हो रहा है उसको आप लोग गुड वाई बना दीजिएगा या वाई एक्सेस पर शो कर दीजिएगा तो ये आपका शो ऑफ मतलब यहाँ पर शो कर दिया जाएगा तो ये आपका पी पी सी आपको समझ में आ गया कैसे ड्रॉ करना है और एम ओ सी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन अगर आपको और भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को शेयर कीजिए अगर ये वीडियो आपके लिए रियली really यूजफुल रही है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर ऑल्सो और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द आइकन जिससे हमारी सारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे थैंक यू फॉर वॉचिंग